अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, वेलकम है आपको एक और व्लॉग के साथ। जैसे कि पिछली व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी तैयारी है अम्मी लोगों के घर में जाने की, तो बस उसी सिलसिले में यहाँ पे मेरी पैकिंग चल रही थी और मेरी बेटियाँ मेरी हेल्प करवा रही थी एज़ यूजुअल। अच्छा, होता क्या है, जितनी भी हाउस वाइफ लेडीज़ होती हैं उनके साथ मसला क्या होता है कि जब भी वो उन्होंने अम्मी के यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने जाना होता है ना, तो उनको एक तरफ अपना सारा घर साफ़ सुथरा करके, हर चीज़ प्रॉपर मैनेज करके, अपनी जगह पे रख के, कपड़े आयरन करके, हस्बैंड के जूते वगैरह पॉलिश करके, हर चीज़ मीन उसकी एकोरेट करके जाना होता है ताकि बाद में कोई मसला ना हो। और वापस आके भी यही सूरत हाल होती है कि जैसे आप छोड़ के जाते हैं ना हर चीज़ सेट हुई, वैसे आपको कभी मिलती नहीं है। जितना भी काम हम सारा समेट के जाते हैं ना, वापस आते हैं तो नए सिरे से दोबारा से वो काम स्टार्ट करना पड़ता है। मीन रूम इतना गंदा हुआ होता है, अलमारियों का बेड़ा गर्क हुआ होता है, हर चीज़ जो हाथ से, सारी खानदों की शायद आदत है कि वो चीज़ जहाँ से लेते हैं ना वहाँ वापस रखते नहीं है, बस गन डालना होता है। तो बस यही चीज़ है कि हर चीज़ सेट करके जाने के बावजूद जब वापस आते हैं तो आपको दोबारा नए सिरे से हर चीज़ अपनी उस जगह पर रखनी होती है। वैसे मैं चाहे हफ्ते के लिए चाहूँ चाहे महीने के लिए अम्मी की तरफ रहने जाऊँ, मेरा यही अटैच ही होता है और मैं सारी चीज़ें इसी के अंदर मैनेज करती हूँ। कपड़े, जूते, इनके पैम्पर्स, इनकी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, मीन्स जो क्रीम वगैरह या लोशन होगी, तो इसी के अंदर मैं मैनेज करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान ना बनाऊँ। बाकी साथ एक हैंड बैग होता है जिसमें मैं अपने नॉर्मल जो मुझे चीज़ें ज़रूरत होती हैं उस हिसाब से मैं उनको सेट कर लेती हूँ, मैं ले जाती हूँ साथ जो मेरी अपनी पर्सनल यूज़ की चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पे मैं वही सेट कर रही थी, इसी किसी में सेट करके रख लेती हूँ। और उनके फीडर वगैरह जो होते हैं ना, उनकी भी मेरी कोशिश होती है कि मेरे पर्स में ही आ जाएँ। अगर कभी वो नहीं आते तो मैं जो मेरी बच्चियों के छोटे बैग्स हैं वो एक साथ बना लेती हूँ और इन्हीं को पहना देती हूँ कि भाई ये अपना, आपने अपना बोझ ना खुद उठाना है। बस यहाँ पे पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी और यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस निकाल के आयरन कर लिया था। सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग में निकलना है, सुबह 5 o'clock पे, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले जो है ना सारी चीज़ें सेट करके रख लूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। तो ये मैंने आयरन कर लिए थे कपड़े, क्योंकि इतने सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मुझे, लेकिन खैर उठना तो था। यहाँ पे मैंने अपनी बेटियों के भी कपड़े रेडी करके रख लिए थे ताकि सुबह, क्योंकि उनकी भी सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो मैं लाइट्स वगैरह ऑन करूँगी तो ये उठ ही जाएंगी। तो यहाँ पे इनकी सारी चीज़ें रेडी कर ली थी, शूज़ वगैरह इनके साथ रख लिए थे कि सुबह गाड़ी जो है ना वो तकरीबन 6 बजे हमारी आ गई थी, तो हम लोगों ने जाना था। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ बाकी व्लॉग तो मैंने शूट नहीं किया, यहाँ पे हम लोग उतरे थे तल्ला गंग में तो नाश्ता नहीं किया था,
सुबह सुबह बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था नाश्ते करने का, और बच्चों ने भी कोई ख़ास नहीं किया था, फीडर लिए थे रस्ते में उन्होंने, तो यहाँ पे मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो ये बस यहाँ पे हम लोगों ने साथ ही एक होटल थी वहाँ से नाश्ता मंगवाया था, नाश्ता बहुत मज़े का था। बस आज का यही व्लॉग था, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।